हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं योर फर्स्ट डॉक्टर हेल्पलाइन। अच्छा जी, आज का जो थंबनेल है वो आपने देखा होगा, उस हवाले से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिसका सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हम अपनी फिशेस को कैसे कम्युनिटी टैंक में अंदर कह लें कि उनको किस तरह से शिफ्ट करें अपने कम्युनिटी टैंक के अंदर। जैसे ये मेरे सामने, आपके सामने ये मेरा मेन टैंक जो है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डिस्कस भी है, एंजल्स भी हैं, टोरपेडो बार्ब भी हैं, सिल्वर शार्क भी है, ठीक है, ये सारी फिशेज हैं। तो एक्चुअली क्या है कि टॉपिक ये था कि आप एक नेट जो है वो मल्टीपल टैंक के अंदर यूज़ कर सकते हैं क्या, अगर यूज़ करते हैं तो क्या वायरस उसमें आ जाता है क्या दूसरे टैंक के अंदर। तो इसके मेरे पास आपके लिए दो जवाब हैं, ठीक है। और अगर मेरे ओपिनियन में पूछें तो मैं आपसे कहूँगा कि वायरस नहीं आता, ठीक है ना। अगर अदर देन किसी एक्सपर्ट से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है कि ये अभी जैसे मेरे पास नया नेट है, ठीक है ना, इस पे थैली चढ़ी हुई है और ये नया नेट है, ठीक है। अगरचे मेरे पास मल्टीपल टैंक्स हैं, ठीक है, और मेरे किसी टैंक के अंदर कोई इन्फेक्टेड फिश है और वो टैंक भी इन्फेक्टेड है, दूसरी फिशेस भी उसके अंदर इन्फेक्टेड है, और अगर मैं उसके अंदर ये नेट यूज़ करता हूँ और फिर मैं अपने किसी और टैंक के अंदर इसको अगर यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली वायरस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास जो है क्वारंटीन हुई भी फिशेस हैं, जैसे कि ये सेवनम है और ये ब्लू अकारा है, अगर ये मेरे पास जो है क्वारंटीन टैंक के अंदर मौजूद हैं तो मैं इनको ईजीली अपने किसी भी अदर टैंक के अंदर शिफ्ट कर सकता हूँ जो कह लें प्रॉपर साइकिल हुआ हुआ है, सही है। तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। पहले एक टैंक के अंदर से निकालूंगा, फिर दूसरे टैंक से निकालूंगा, इसकी लाइट बंद कर दूंगा, 24 आवर्स तक इसकी लाइट बंद रहेगी ताकि फिशेज जो है वो काम हो जाए, ठीक है। इसके साथ मैं इसके अंदर स्ट्रेसल ऐड करूँगा ताकि जो फिशेज हैं अभी डरी हुई हैं, पीछे बैठी हुई हैं, जब ये यहाँ पर शिफ्ट होंगी तो उनको स्ट्रेस होगा, तो इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए स्ट्रेसल भी मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप जो है एक नेट जो है वो आप मल्टीपल टैंक में यूज़ कर सकते हैं अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, और अगर इन्फेक्टेड होंगे तो आपको ये करना है, सही है। अच्छा, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि जी हम फिशेस लेकर आए और कंपैटिबल फिशेस थी, ठीक है ना, जो फिशेस की कैटेगरी हमारे पास थी हमने उसी के टैंक मेट्स ही हम लेकर आए और हमने उनको टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस किया और वो उन्हीं में से किसी फिश ने सॉरी दो तीन दिनों के अंदर जो है एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया और उसके बाद एट द एंड ये हुआ कि सब मर गए। तो अब इस सिनेरियो के अंदर ऐसा है कि आप अगर कंपैटिबल फिशेस को भी साथ रखेंगे, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है वो ये आती है कि आपने अपना एक कम्युनिटी टैंक बनाया, ठीक है, और बनाने के बाद आपने जो है वो मार्केट गए और आपने डिसाइड किया कि जी मैं ब्लू अकारा लेकर आऊँगा, ठीक है ना, और मैं सेवरम लेकर आऊँगा, जैसे कि अभी मेरे केस के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरे जो ऑलरेडी टैंक के अंदर मेरी फिशेज हैं उनका साइज़ और जो मुझे फिश मिल रही है उसका साइज़ बराबर हो। अगर मैं कंपैटिबल फिश को भी अगर वो स्मॉल साइज़ के अंदर होगी और कंपैटिबल टैंक के अंदर भी मैं अगर उनको चलने के छोड़ूंगा तो उनको उनकी टैंक मेट भी मार के ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत समझने वाली होती है जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा जी, क्या हो जाता है कि हम जब मार्केट जाते हैं, ठीक है ना, तो
हमें अगर हमारी रिक्वायर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है जिन फिशेज की, अगर वो हमें मिल भी जाती हैं तो वो हमारी मर्ज़ी से नहीं मिलती हैं, या तो वो हमें बड़े साइज़ के अंदर मिल जाती हैं या फिर वो हमें जीवनाल छोटे साइज़ के अंदर मिल जाती हैं। अब जैसे छोटे साइज बड़े साइज़ की फिशेज को कम्यूनिटी टैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आके अपना आप एडजस्ट कर लेती हैं। प्रॉब्लम आती है छोटे साइज़ की फिशेज में। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये ब्लू अकारा है, ठीक है ना, और ये ब्लू अकारा जो है मुझे जिवनाइल साइज़ के अंदर मिली थी, थंबनेल होता उससे भी छोटी, ठीक है। मैंने ले ली क्योंकि ये आ नहीं रही थी बाहर से। सेवरम जो है वो भी थंबनेल साइज से बिल्कुल छोटी थी और मुझे उनको इस टैंक के अंदर शिफ्ट करना था, ठीक है ना। तो इस टैंक में शिफ्ट करने के लिए मैंने इनको सेपरेटली थ्री मंथ्स ग्रो किया है। 3 महीने से मैं इनको ग्रो कर रहा हूँ और अब ये इस टैंक के अंदर कह लें कि शिफ्ट होने के लिए कंपैटिबल हैं। इनका जो साइज़ है वो इस टैंक के अंदर जो फिशेज हैं उनके ही साइज़ के मुताबिक है, तो और कंपैटिबल भी है, ठीक है ना। सेवरम भी और ब्लू अकारा भी, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करने का तरीका क्या होता है पहले आप वो समझ लीजिए अच्छी तरह, ठीक है ना। पहले तो आपने उसकी लाइट बंद कर देनी है। नेट अगर नया यूज़ करें तो अच्छी बात है, नहीं यूज़ करते तो कोई बात नहीं, जो आप यूज़ करते हैं अपने क्वारंटीन टैंक्स के अंदर वही यूज़ करें, ठीक है। वेदर थोड़ा चेंज हो गया है, गला मेरा बहुत ख़राब हो गया। खैर चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये बहुत फास्ट होती हैं, इनको पकड़ना बड़ा चैलेंजिंग रहता है हमेशा ही। और ये जंप भी कर जाती हैं बहुत आसानी से, इसलिए जो है ये देखें इनकी अगर आप मूवमेंट देख पा रहे हो, असल में मेरा हाथ मूव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है आपको नजर नहीं आ रही हुई, क्योंकि जो चीज मूव हो रही होती है कैमरा उसको फोकस करता है। तीनों आ गई थी, दो निकल गई। बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। अब एक रह गई है आई थिंक और वो छुप गई है जाके, दो हैं। कोशिश करें कि नेट को जो है ना वो आप अंदर ना डालें, फिश को आप ऊपर से ही जो है वो टैंक के अंदर छोड़ दें। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़ी इंटेलिजेंट होती है, तो अब ये छुप गई। छुपी कहाँ है ये देखिए,
ठीक है। अब ये सेवेरम को हम पकड़ेंगे, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए जो मैं खुद नहीं करता, ठीक है। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ के लिए जो है वो आपको ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ताहिर ने अगर कोई एडवाइस की है तो वो चीज़ सही है, तो आप उसको टेस्ट कर सकें। बड़ा थकाने वाला काम होता है इनको पकड़ना, और जैसे जैसे कम रहती जाती है मुश्किल होती है उनको पकड़ने के लिए। और ये फाइनली सारी शिफ्ट हो गई, ठीक है जी। और ये रहा हमारा नेट, लाइट इसकी बन रहेगी क्योंकि स्ट्रेस में आएगी फिश, इसलिए ठीक है। स्पेशल मैं इसके अंदर अभी यूज करूंगा। देखिए मैं स्ट्रेसल लेकर आया हूँ, ये बबल एंड ट्रबल्स की है। नेचर के नाम है इसका, ठीक है ना। तो ये भाई सारा सिलसिला होता है आपको जो है वो आपकी फिश की मोर्टैलिटी से आप बच सकते हैं, और बचने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप फिशेस को, अगर आपको छोटी मिली हैं तो आप उनको ग्रो करें, ठीक है ना। और ग्रो करने के बाद जब वो कंपैटिबल साइज़ की हों तभी आप उनको टैंक के अंदर शिफ्ट करें। ये अगर आपके पास जो है अगर कोई सेपरेट टैंक नहीं है, ठीक है, उस सूरत के अंदर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फिर वो ना लें फिशेज। वो इसलिए क्योंकि आप उनको किसी ब्रीडिंग नेट में रख के ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो मर जाएंगी, और दूसरा आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, टाइम भी ज़ाया होगा, इतना उसको बचाने की कोशिश भी करेंगे, परेशान भी रहेंगे, स्ट्रेस में भी रहेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई सेटअप है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 महीने से दोनों टैंक ऑक्यूपाइड थे और मैं इनको रेस कर रहा था, ठीक है, इसी तरह से अभी ये मेरे पास चलेंगे, ये वाइट वाइट अल्बिनो रेड आइस चिकलेट्स हैं, ठीक है। ये भी मेरे एक और बड़े कम्युनिटी टैंक के अंदर जो है वो थी, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसके अंदर थी ये। और जो है फिर क्या हुआ प्रॉब्लम के फिशेज ने इनको निप करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। कुछ फिशेज जल्दी ग्रो कर गई, और ये जो है क्योंकि स्लो ग्रो होती हैं इसलिए छोटी रह गई। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फिशेज हैं जो इनको तंग कर रही थी, तो फिर मैंने इनको शिफ्ट किया। अब मैं इनको रीग्रो करके, यानी कि इतना इतना साइज़ उसका मीडियम हो जाए उसके अंदर करके जो है मैं इनको वापस इस टैंक के अंदर शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो बताने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि यही तरीक़ेकार होता है, यही प्रोसेस और यही मेथड होता है,
ठीक है, जो आप फिशेज लेकर आते हैं वो वायरस से नहीं मरती हैं, आपके पास दूसरी फिशेज जो उनको बुली करती हैं उसकी वजह से ज़्यादा मरती हैं। ठीक है, स्ट्रेस में आती हैं, आप कोई स्ट्रेसल मेडिसिन यूज़ नहीं करते, जैसे मैंने अभी स्ट्रेसल मेडिसिन यूज़ की है, वो आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकती हैं, कर सकते हैं। सीकम का भी आता है, कह लें कि ये बबल ट्रबल्स का भी है, और भी API के अंदर भी शायद आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं ना, वो इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि दुकान वाले अपने दुकान के ऊपर बस उसको लगा के बैठे हुए होते हैं कि जी हमें प्रोडक्ट दिखानी है। बेसिकली वो आपके काम की होती हैं। आप जाते हैं मार्केट में, आप उनसे पूछें, आप मालूमात करें कि जी कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है मार्केट के अंदर, कौन सी नहीं है, किस चीज़ के लिए मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहता हूँ, अपना मसला बताएं, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, नहीं है तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर विद इन पाकिस्तान आप मौजूद हैं, और अगर इंडिया में भी कोई मसला नहीं है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, नहीं तो मुझे ईमेल करते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा। ठीक है जी, जो बताने का सिंपल सा मकसद ये है, वापस टॉपिक पर आते हैं कि आपने फिशेस को हमेशा अपने कम्युनिटी टैंक के अंदर तब इंट्रोड्यूस करना है जब आपकी फिशेस आपस में साइज़ के हिसाब से कंपैटिबल हो और बाय नेचर कंपैटिबल हो, टैंक मेट्स हो प्रॉपर। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि गोल्ड फिश डाल दिया आपने किसी के साथ और चिकलेट्स ने उनको मार दिया, ये गलती ना कीजिएगा। मैंने फिर एक दफ़ा बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, टैंक मेट्स जो होते हैं इनके, जो फिशेज आपस में कंपैटिबल होती हैं, एक साथ रहने वाली फिशेज होती हैं, वो आपने कभी भी स्मॉल साइज़ के अंदर लेके कम्युनिटी टैंक में नहीं आपने छोड़नी। आपने हमेशा उनको पहले ग्रो करें, उसके बाद उनको क्वारंटीन करके उसके बाद आप उनको शिफ्ट करें, ताकि किसी किस्म का कोई वायरस या कोई बीमारी जो है वो आपके मेन टैंक के अंदर शिफ्ट ना हो। ठीक है ना, तो हमेशा अगर आपको कंपैटिबल साइज़ की मिल जाती है तो वेल एंड गुड। ठीक है ना, अगर कंपैटिबल साइज़ की नहीं मिलती है, छोटी मिलती है, और आपके पास अगर कोई एक्सपेयर टैंक नहीं है उसके लिए प्रॉपर, जिसमें आप उसको रेस कर सकें, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप उस फिश को लेकर आएँ, क्योंकि इसमें सिवाय आपके नुकसान के और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक छोटी सी एडवाइस थी, इसके अंदर मैंने दो टॉपिक्स को कवर किया है, और होपफुली आपको इससे फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश थी आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाने की, तो वो मैंने कोशिश की। अगर आपको लगे कि मेरी मालूमात आपके लिए जो है रहनुमाई का बाइस बनी है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों की भी रहनुमाई हो सके। ठीक है, और इसी तरह के कई सारे टॉपिक्स जो है वो अभी अपकमिंग आ रहे हैं, और वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे, और ज़रूर उससे भी आपकी जो है बहुत हेल्प हो सकेगी। ठीक है जी, जब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।